हेलो फ्रेंड्स, सामने गाड़ी खड़ी है शेवरलेट बीट और आज इस बीट के अंदर बहुत सारी चीज़ें आपको समझने को मिल जाएंगी, सीखने को मिल जाएंगी। ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं, क्योंकि इस गाड़ी के अंदर है बहुत सारी प्रॉब्लम। अगर कोई नया आदमी चलाएगा तो वो कहेगा कि यार इतनी प्रॉब्लम गाड़ी कर रही है, और इनकेस अगर सेकेंड हैंड कार लेने जाते हैं और इस गाड़ी को चला लेते हैं तो ऐसा लगेगा यार ये गाड़ी तो ख़त्म हो गई। लेकिन प्रॉब्लम ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी मेजर हो, प्रॉब्लम कुछ ही पॉइंट्स पे है, बस समझने की बात है। और आज इस बीट के ऊपर जो वीडियो बन रही है वो बिल्कुल इंटरेस्टिंग है, क्योंकि बहुत दिनों बाद इस बीट को मैंने निकाला और इस बीट के अंदर मैं काम करने जा रहा हूँ। काम क्या करने जा रहा हूँ, प्रॉब्लम क्या है, वो चीज़ें मैं आपको चाहता हूँ कि सामने दिखा दूँ, आप भी समझ जाएँ कि अगर गाड़ी में इस तरह से प्रॉब्लम आ रही है तो यही फॉल्ट होगा, और इस तरह से प्रॉब्लम आ रही है तो यही फॉल्ट होगा। कई सारे इसके जो प्रॉब्लम्स हैं वो सारी जुड़ी हुई है सस्पेंशन से रिगार्डिंग। लेकिन कई बार हम लोग समझते हैं यार ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई, यहाँ पे जो प्रॉब्लम है वो सिर्फ कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स की है। वो पॉइंट्स अगर आप समझ गए तो मेरे ख्याल से आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव ये वीडियो रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो, गाड़ी के अंदर चलते हैं। गाड़ी मैंने ऑलरेडी स्टार्ट कर रखी है और सबसे पहले मैं आपको ड्राइव करके दिखाऊँगा। ये पहली चीज़ तो देखिए, ये विंडशील्ड मुझे चेंज करनी है इस गाड़ी की, और इस गाड़ी के अंदर मैं बहुत सारे अभी काम करने वाला हूँ, क्योंकि अभी बहुत टाइम से ये गाड़ी खड़ी थी, जब से पंच ले ली हमने, पंच लेने के बाद ये गाड़ी यूज़ में नहीं आई। अब देखिए, मैं कोशिश करूँगा कि आपको जो नॉइस है वो नॉइस भी कैप्चर करके सुना पाऊँ और आप समझ पाएँ कि ये नॉइस है किस चीज़ की, एक्चुअल में कहाँ से आ रही है। और उसके बाद ये चीज़ें मैं आपको खोल के भी दिखाऊँगा, इस गाड़ी का मैं काम करूँगा तो पूरी चीज़ें खोल के आपको एक्सप्लेन करूँगा, दिखाऊँगा कि हाँ ये प्रॉब्लम थी तो इसकी यही जड़ है। अब मैं आगे चलूँगा तो मैं एक एक चीज़ आपको एक्सप्लेन करूँगा। सबसे पहली प्रॉब्लम तो मैं आपको दिखा देता हूँ, स्टेयरिंग जब मैं टर्न करूँगा तो देखना आप, देखा एक तो ये स्टेयरिंग वापस नहीं आ रहा है, पहली नंबर की प्रॉब्लम। ठीक है, अभी मैं सीधा करता हूँ। पहली चीज़ स्टेयरिंग वापस नहीं आ रहा है, अब आप सोचोगे कि यार ये स्टेयरिंग का कुछ प्रॉब्लम होगा। दूसरी चीज़ और बता देता हूँ, स्टेयरिंग को जब मैं कंट्रोल करता हूँ इस तरह से तो मुझे कॉन्फिडेंस फील नहीं होता, मतलब हल्का सा इसमें प्ले है, इतने प्ले पे गाड़ी मुड़ती नहीं है, इतना करो तब मुड़ती है, यानी इतने पे कुछ नहीं होता ये। और इसके बाद मतलब धीरे धीरे बिल्कुल भी स्टेयरिंग के अंदर कॉन्फिडेंस फील नहीं हो रहा है, स्टेयरिंग इधर जा रहा है कभी इधर जा रहा है, यानी कि गाड़ी कभी अचानक उधर मुड़ती है, स्टेयरिंग से इधर कंट्रोल करना पड़ता है, कभी उधर मुड़ती है तो इधर कंट्रोल करना पड़ता है, फ्री प्ले फील हो रही है। अब आपको ऐसा लगेगा कि यार ये प्रॉब्लम जो है स्टेयरिंग की है, तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि ये प्रॉब्लम स्टेयरिंग की नहीं है, किस चीज़ की है आगे बताता हूँ। पहले दूसरी प्रॉब्लम देख लीजिए, दूसरी प्रॉब्लम क्या है, थोड़ी सी ख़राब रोड आती है उस पर देखेगा आपको, यहाँ तो मैं टर्न कर लूँ, जब गाड़ी किसी गड्ढे में जाएगी तो वो नॉइज़ सुनना आप, यहाँ अभी गड्ढा नहीं है, आगे आने वाला है, वो नॉइज़ हमेशा आती है लेकिन अभी नहीं आ रही है, कहाँ आएगी अभी मैं देखता हूँ, रुको, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि किस तरह की नॉइज़ है। जब भी गड्ढे में ऐसा टायर जाता है तो एक खट से नॉइस आती है बहुत तेज़, ऐसा लगता है बॉडी पे कुछ टकराया हो, जब वो नॉइस आगे आएगी तो वो प्रॉब्लम आपको बताऊंगा। तीसरी प्रॉब्लम ये है कि गाड़ी के अंदर बॉडी रोल कुछ ज़्यादा बढ़ चुका है, मतलब ऐसा लग रहा है कि गाड़ी अपने आप इधर से उधर झूल रही है, ये आप देखो ऐसा लग रहा है ना, मतलब गाड़ी पूरी ऐसे ऐसे हिल रही है, कुछ ऐसा स्टेबल नहीं है। चौथी प्रॉब्लम भी है, वो क्या है, जब हम ऐसे रफ रोड पे चल रहे होते हैं, ये देखिए अभी ये वाली रोड आएगी, रफ रोड पर नीचे से बिल्कुल ऐसे खड़खड़ की आवाज़ आ रही है, अब पता नहीं माइक में रिकॉर्ड हो रही है कि नहीं हो रही है, लेकिन नीचे से ऐसे कुछ खड़खड़ाने की आवाज़ आ रही है बिल्कुल, तो वो हो गई चौथी प्रॉब्लम। अब ये सारी प्रॉब्लम जो जुड़ी हैं वो हमारी सस्पेंशन से जुड़ी हुई हैं, सस्पेंशन का काम मैं करूँगा, एक एक पॉइंट आपको खोल के दिखाऊँगा, आप समझ जाएंगे कि हाँ यही इसकी प्रॉब्लम थी। अब ये आया, ये देखो ये खटकी आवाज़ जो आई ना, बस ये खटकी आवाज़ आती है बिल्कुल इस कॉर्नर से, अब वो आवाज़ किस चीज़ की है वो भी बता देता हूँ। अब ये जो इस तरफ से आवाज़ आ रही है वो आ रही है हमारे शॉकर माउंटिंग की, शॉकर हो सकता है कि ख़राब हो गए हो, शॉकर ख़राब होने के बाद जो उसका माउंटिंग होता है उस पर जाके बहुत डायरेक्टली हिट करता है वो, जब हिट करेगा तो फिर वो माउंटिंग भी ख़राब हो जाएगा और माउंटिंग ख़राब होने के बाद ये प्रॉब्लम आएगी। तो ये जो खट वाली आवाज़ है, शॉकर माउंटिंग और शॉकर, ये दो चीज़ों से रिलेटेड है। सबसे पहले जो मैंने आपको प्रॉब्लम दिखाई थी स्टेयरिंग का इधर उधर जाने वाली, लोग ऐसे कन्फ्यूज़ होंगे, कुछ लोग सोचेंगे यार स्टेयरिंग के अंदर कुछ प्रॉब्लम है वो इसलिए ऐसा हो रहा होगा, लेकिन ये स्टेयरिंग की वजह से नहीं हो रहा है। ये किस वजह से हो रहा है, ये हो रहा है हमारे लोअर आर्म के बुश की वजह से। लोअर आर्म के बुश जब एक्सट्रीमली कट जाएंगे, ज़्यादा कट जाएंगे, तो क्या होता है उस केस में हमारी लोअर आर्म इधर और उधर शिफ्ट हो रही होती है चलती गाड़ी में, तो जब लोअर आर्म इस तरह से ऐसे लगी है इधर और इधर ऐसे शिफ्ट होती रहेगी
तो हमको ये स्टेयरिंग में ये वाली प्रॉब्लम फील होगी। ऐसा लगेगा स्टेयरिंग में ऐसा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। गाड़ी थोड़ी सी मुड़ते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि गड्ढे में आके अपने आप ज़्यादा मुड़ जाती है। कई बार हमें ज़्यादा मोड़नी होती तो इतने में कोई स्टेयरिंग रिस्पॉन्स नहीं करता और ज़्यादा ऐसे टर्न करना पड़ता है। तो वो जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम स्टेयरिंग की नहीं है, प्रॉब्लम लोअर आर्म की है। दूसरा जो मैंने आपको प्रॉब्लम बताई, गाड़ी के अंदर जो बॉडी रोल फील हो रहा है, बॉडी रोल जो गाड़ी के अंदर फील हो रहा है वो हमारे शॉक एब्जॉर्बर की वजह से फील होता है। शॉक एब्जॉर्बर जब वीक हो जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे, तो उस कंडीशन में आपको गाड़ी के अंदर बॉडी रोल ज़्यादा देखने को मिलेगा। और एक जो प्रॉब्लम आ रही है मुझे रफ रोड पे चलते समय नीचे से खड़खड़ाहट की आवाज़, तो जो नीचे से खड़खड़ाहट की आवाज़ आ रही है वो हो सकता है कि स्टेयरिंग रैक की आवाज़ हो। स्टेयरिंग रैक भी हो सकती है या फिर स्टेयरिंग एंड भी हो सकते हैं। स्टेयरिंग एंड से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। मैं खोल के जब देखूंगा तो आपको दिखाऊंगा कि दोनों में से किस चीज़ के अंदर प्रॉब्लम निकलती है। और एक प्रॉब्लम थोड़ी अलग है, वो आपको मैं दिखाता हूँ, गाड़ी रोक के दिखाता हूँ। गाड़ी मैंने रोकी और जब मैं ऐसा फर्स्ट गियर डालता हूँ और उठाता हूँ, ऐसे ये उठाया, और जब ब्रेक लगाऊंगा ये, मतलब ऐसा लगता है पहिए बाद में रुक रहे हैं, बॉडी थोड़ी आगे जा रही है। कई बार बॉडी ऐसे पीछे जा रही होती है रुकने पे, मतलब एक सब कुछ ढीला ढाला सा नज़र आ रहा है गाड़ी के अंदर। और ये जो लूजनेस फील हो रही है ना गाड़ी के अंदर, ऐसा लग रहा है कि कसी हुई गाड़ी नहीं है, बिल्कुल खड़की हुई गाड़ी है ये। मतलब अगर मैं आपको स्पेशली बताने जाऊँ तो ये सारी चीज़ें सिर्फ हमारे सस्पेंशन के बुश की वजह से हो रही हैं। हमारे सस्पेंशन के जो बुश लगे हुए हैं आर्म के अंदर, उनकी वजह से हो रही हैं। अभी जब मैं इसको खोल के दिखाऊंगा आपको तो एक एक चीज़ एक्सप्लेन करूंगा कि ये प्रॉब्लम इससे रिलेटेड थी। लेकिन हाँ, कई बार क्या होता है हम लोगों को इस तरह से गाड़ी चलाने को देखने को मिलेगी तो हमें लगेगा यार गाड़ी में बहुत बड़ा खर्चा होगा, गाड़ी के अंदर बहुत मेजर इशू आ चुका है। या फिर इसी जगह पे हम कहीं सेकेंड हैंड गाड़ी लेने जा रहे हैं, वहाँ हम टेस्ट ड्राइव लेते हैं, तो टेस्ट ड्राइव लेते समय हमें गाड़ी ऐसी दिखी तो हमें लगेगा अरे भाई साहब ये तो गाड़ी मतलब बिल्कुल बेकार गाड़ी है, इसको बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, जो मेजर चीज़ें होती हैं उन चीज़ों को हम नोटिस नहीं कर पाते। जैसे इंजन के अंदर कुछ प्रॉब्लम है, गेयरबॉक्स के अंदर प्रॉब्लम है, तो वो मोटे खर्चे वाली चीज़ें हैं। ये जो प्रॉब्लम है छोटे मोटे खर्चे वाली प्रॉब्लम है, इसका कोई इतना मोटा खर्चा नहीं आता। और लेकिन विजुअली देखने में ये ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम दिखती है। और इसी जगह पर दूसरी गाड़ी, उसके अंदर कोई आवाज़ नहीं होगी, सारा फर्स्ट क्लास होगा, सब कुछ चल रहा होगा, लेकिन हो सकता है कि उसके इंजन में मेजर फॉल्ट हो, उसके गेयरबॉक्स में मेजर फॉल्ट हो। तो मोटा मोटा कहने का मतलब है ये जितनी भी प्रॉब्लम आपको दिख रही हैं, जो भी मैंने आपको दिखाई, ये सारी सस्पेंशन से रिलेटेड हैं। और सस्पेंशन से रिलेटेड भी किन चीज़ों की हैं वो मैं जब इस गाड़ी को खोलूँगा तो आपको दिखा दूंगा। गाड़ी खोल के मैं दिखाऊंगा आपको इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। फिलहाल इस वीडियो में मैंने कोशिश की आपको कि तरह तरह की प्रॉब्लम को एक्सप्लेन कर पाऊँ। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से थोड़ा बहुत फ़ायदा तो ज़रूर आपको होगा। नेक्स्ट टाइम से कभी आपकी गाड़ी के साथ ऐसा होता है या फिर सेकेंड हैंड कार कभी लेना जाते हैं तो वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा। और हाँ, मन में अभी भी कुछ सवाल रह गया हो तो यहाँ नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।